सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। देश के कुछ नेता हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी कहने और करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की खास बात यह है कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। इन नेताओं का शायद ये मानना है कि अगर हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खींचा जाए तो मुद्दे को सुर्खी मिले या ना मिले, इन्हें जरूर सुर्खियां बटोरने का मौका मिल जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का नाम भी ऐसे ही नेताओं में गिना जाता है। अवैसी ने फिल्म पद्मावत के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने की कोशिश की है। अवैसी का कहना है कि इस वक्त देश में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पकौड़ा पॉलिटिक्स है। फिल्म पद्मावत को लेकर चल रहे करणी सेना के विरोध प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने करणी सेना के प्रदर्शनकारियों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं, अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है। अवैसी का कहना है कि फिल्म पद्मावत पर करणी सेना के उग्र विरोध के बाद साबित हो गया है कि मोदी की 56 इंच की छाती सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। SPN News Room की रिपोर्ट।